सो हेलो गाइस, तो आज भाई साहब मैं ऐसे ही सुबह सुबह टहल रहा था तो मुझे दिखाई देता है एक पोकेमोन भाई साहब। और गाइस इस पोकेमोन की प्रॉब्लम यह है कि इसको इसका पोके बॉल नहीं मिल रहा है, तो अपन को जो है आज इसका पोके बॉल इसको ढूंढ के देना पड़ेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले गाइस पोके बॉल क्या होता है, जिस चीज को नहीं पता, वो एक पोकेमोन का हाउस होता है जिसके अंदर गाइस पोकेमोन रहता है। तो मैंने डायल वाइल कर चुका है, पोके बॉल अपन को कहां पर मिलेगा, ये सारी चीजों की जानकारी गाइस अपन को सबसे पहले तो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी फॉर्चूनर निकालते हैं और चलते हैं ट्रेन के पास, क्योंकि ऐसी सारी चीजों का पता जो है भाई साहब ट्रेन को ही होता है। तो फटाफट से मैं अपनी फॉर्चूनर के अंदर बैठ चुका हूँ और अभी निकलते हैं अपनी फॉर्चूनर लेके ट्रेन के पास। और तो और गाइस ट्रेन को अगर नहीं पता होगा ना तो भाई वो बेचारा पोकेमोन का क्या होगा गाइस, वो बहुत तेजी से रोने लग जाएगा। इस वजह से मेरे को किसी भी हाल में जो है पोके बॉल ढूंढनी है, वो भी ओपन या क्लोज, कोई भी पोकेमोन पोके बॉल चलेगा और गाइस वो ओपन या क्लोज भी हो सकता है। तो फटाफट से अपन चलते हैं ट्रेन के पास गाड़ी भगाते हुए। भाई एक तो यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये गाड़ी यार कुछ ज़्यादा ही तेज तेज चल रही है। ओ भाई 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 ये पलटी ना हो जाएगी। ओके गाइस इसीलिए तो मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ गाइस, क्योंकि फॉर्च्यूनर कभी भी भाई साहब अपन को धोखा नहीं देती। तो फटाफट से अभी जो है अपन चलते हैं, लेकिन एक सेकंड में कौन से गलत रास्ते से तो नहीं जा रहा हूँ ना। नहीं भाई एकदम सही रास्ते से जा रहा हूँ और एकदम तगड़े तरीके से चल रहा हूँ मैं अपना ओल्ड वाला हाउस गाइस। और यहाँ पर मेरा हो चुका है एक्सीडेंट बहुत ही तगड़ा। ओके गाइस तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो अभी अपन फटाफट से पहुँच चुके हैं गाइस ट्रेन के पास। वो आपको सामने की साइड जो है ट्रेन दिख रही होगी जो कि यहाँ पर ही खड़ी है। तो इसको अपन पूछ लेते हैं फटाफट से कि पोके बॉल का पता कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। ओके सो मैं यहाँ पर जो है पार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैं देखता हूँ अभी पोके बॉल कहाँ पर अपने को मिलेगा। वैसे ट्रेन को पूछ लेता हूँ। हेलो ट्रेन, हेलो मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। हाँ फ्रैंकलिन बोल, क्या काम है तेरे को मेरे से? अरे मुझे जो है ना आज सुबह सुबह एक पोकेमोन मिला है जिसका पोके बॉल गुम हो चुका है और उसको रहने के लिए पोके बॉल ही नहीं है। तो तुमको पता है कि पोके बॉल कहाँ पर अपन को मिल सकता है? तो अरे हाँ पोके बॉल जो है ना वो सामने वाले का रेड रेड सा कुछ गरीबों की जो बस्ती है वहाँ पर कुछ रेड रेड सा लगा हुआ है, उसके अंदर शायद से पोके बॉल हो सकता है। रेड रेड सा सामने की साइड, ये तो मेरे को ग्रीन दिख रहा है, इसके अंदर तो नहीं है कि पोके बॉल? इसको गाइस मैं फोड़ करके देखता हूँ। ओके गाइस तो इसको फोल्ड करके देखते हैं। वैसे गाइस सामने साइड भी एक रेड रेड सा कुछ दिख रहा है आपको भी, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं इसको भी फोड़ के देखता हूँ। शायद इसके अंदर भाई कचरे के डिब्बे के अंदर किसी ने रख दिया होगा पोके बॉल। तो फटाफट से अभी जो अपने स्टिकी बॉम्ब निकालते हैं और इसको फोड़ते हैं भाई साहब, इसके अंदर है या फिर नहीं है पोके बॉल वो भी देखते हैं। तो सारी तरफ से मैं चारों तरफ से जो इसके अभी फटाफट से लगा देता हूँ स्टिकी बॉम्ब और इसको जो है ब्लास्ट कर देता हूँ और देखते हैं इसके अंदर पोके बॉल मिलेगा या फिर नहीं। वैसे गाइस मेरे को नहीं लगता इसके अंदर पोके बॉल है। वैसे गाइस रेड रेड का मेरे को सामने की साइड जो है ना कुछ दिख रहा है हाउस सा, तो उसके अंदर अपन को पोके बॉल शायद से मिल सकता है। और मैं ट्रेन बात कर रही हूँ, अगर तुमको पोके बॉल वहाँ पर नहीं मिले ना तो ओपन वाला पोके बॉल जो है ना तुमको वो जो अपना जूनियासिक पार्क है उसके अंदर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर तुमको गेट से नहीं जाना पड़ेगा, उसके अंदर तुमको कुछ तारे टाप करके जाना पड़ेगा। ओके ओके ट्रेनर थैंक यू, अभी चलते गाइस अपन वहाँ पर पहले रेड रेड वाले के पास, वहाँ पर पोके बॉल है या नहीं ये देखते हैं। ओके तो सामने की साइड अपन को गाइस कुछ रेड रेड सा दिखाई दे रहा है और अभी जो इसके अंदर हम पोके बॉल ढूंढते हैं या फिर नहीं, यहाँ पर से तो वैसे गाइस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कार में से उतरने के बाद गाइस मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर जो है मेरे को एक पोके बॉल दिखाई देता है भाई साहब, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन अपन जो इसको उठा नहीं सकते क्योंकि इसको उठाने के लिए जाना पड़ेगा जूनियासिक पार्क के अंदर, वहाँ पर अपन को एक ओपन पोके बॉल मिलेगा और वहाँ पर से गाइस उसको खोल करके वहाँ पर अपने को रखना पड़ेगा अपना पिकाचू नहीं मतलब पोके बॉल जो कि उसकी उसका नाम नहीं पता मेरे को, डायनासोर से शायद से। ओके सो अभी अपन फटाफट से चलते हैं गाइस जूनियासिक पार्क के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और वैसे मैंने पोकेमोन को भी साथ में ले लिया है, जैसे ही पोकेबॉल ओपन वाला मिलेगा उसके अंदर अपन उसको भेज देंगे। लेकिन भाई साहब तारों के बाहर से जाना मेरे को तो बहुत हार्ड लग रहा है। इसके बाद बहुत ही तेज फास्ट कार लाने वाला हूँ मैं अपनी फॉर्च्यूनर ओ वाली साइड से और घुसने वाला हूँ अभी जो है अपने तारों के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, देखते अभी हो पाता है या नहीं मुझसे। यहाँ पर जो मैं बहुत तेज लाई और फिर भी नहीं हुई यार, मेरे को नहीं लगता ये कार कर पाएंगी। मेरे को गाइस निंजा ZX10R लानी पड़ेगी और उसको मैं फुल स्पीड से लाऊंगा और फिर देखते हो पाता या नहीं। तो फटाफट से अभी जो है मैं निंजा ZX10R का चीट कोड डालता हूँ, फटाफट से ले लेता हूँ निंजा ZX10R और अभी चलाते हुए इसको लाते। तो उसको मैंने ले लिया है गाइस, अभी जो है फुल स्पीड से जो है ना मैं तार के अंदर जाने की ट्राई करता हूँ
और फिर वहाँ पर फिर ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के बाद अपने को पोके बॉल। तो काज मैं जाने ट्राई करता हूँ लेकिन भाई साहब यहाँ पर नहीं जा सकते। और तो और भाई मारते मारते बचाऊँ मैं तो अभी अपना काम जो है ना निंजा जेरिक्स टेनार तो नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन एक और बार अपन ट्राई करके देखते, अभी आएंगे अपन फुल स्पीड से, मतलब अब फुल स्पीड मतलब 200-300 जितनी भी स्पीड होती होंगी उससे स्पीड से आएंगे और जा कर के देखते हैं भाई साहब। यहाँ पर से कूदा के देखता हूँ मेरे को एक सेकंड इधर जाके देखता हूँ सबसे पहले, और इधर से काश फुल स्पीड में लाने वाले अपन और फिर देखते जा पाते हैं या फिर नहीं। और टेढ़ी टेढ़ी डालेंगे भी अंदर। और यहाँ पर जो है गाइज जैसे मैंने डाली वैसे ही भाई साहब ये हो चुका है ख़त्म। ओ भाई साहब मतलब इससे तो नहीं जा सकते। अभी अपन लेके आते गाइस टार्जन को और टार्जन को इसके अंदर जाके देखते हैं। इसकी स्पीड देखो गाइस क्या है तो तगड़ी है। और अभी फटाफट से इसके अंदर भाई साहब मेरे को लगता है चली जाएंगी। ओ भाई साहब तो ये गाइस फाइनली आ चुके इसके अंदर जेनेसिक पार्क के अंदर। और अभी अपन को ढूंढना इधर पोके बॉल। तो पोके बॉल अपन को गाइस दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा है जो कि होगा ओपन पोके बॉल। यहाँ पर तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाइस टुक गई और इधर से अगर डायनासोर आ गए ना तो फिर तो मेरी गाइस मैया तब की है। लेकिन मैं ढूंढने की ट्राई करता हूँ क्योंकि अपन को पोके बॉल को जो है उस पोके बॉल में डालना है आज में। ओके सो गाइस मैं फाइनली जो है मेरे को लगता है यहाँ पर ही अपन को पोके बॉल दिख सकता है। तो फटाफट से मैं टार्जन के अंदर से उतरता हूँ और यहाँ पर गाइस मेरे को दिख चुका एक तगड़ा सा ओपन पोके बॉल। अभी गाइस इस पोके बॉल के अंदर अपन को डालना है इस पोकेमॉन को, इस पोके बॉल को कर देना है भाई साहब बंद। और फिर दोनों बंद होने के बाद गाइस अपना आज का काम हो जाएगा। तो फटाफट से इसको डालते इसके अंदर इसको कर देते हैं बंद। ओके सो ये जा चुका है इसके अंदर गाइस, इसको कर दिया है मैंने बंद फटाफट से। सो अपना काम तो गाइस अभी हो चुका है लेकिन अपन को जाना पड़ेगा गाइस इस पोके बॉल को लेकर के भाई साहब टार्जन के अंदर। और यहाँ पर से अपन को निकलना पड़ेगा सबसे पहले तो इस तार के अंदर से ही, और पोके बॉल को अपने ही पास रहने देते हैं और देखते हैं भाई इसको आप क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि ये पोके बॉल की फाइट भी हो गई ना तो अपने बहुत काम में आएगा अपने, अगर फाइट किसी के साथ हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर पोके बॉल है। और ये गाइस अभी कार अपन को निकालनी पड़ेगी जैसे तैसे करके इसी वाले मतलब डोर से, तो अपन नहीं निकाल सकते पहले ही अपनी बात हो चुकी थी। तो गाइस इधर से निकलनी चाहिए जैसे कि उधर साइड से आई थी। और गाइस उधर साइड से कैसे आई थी पता है, मैं गाइस कूद गया था और मैं जो उसके अंदर मतलब इस जालियों के अंदर आ चुका था और एक कार भी आ चुकी थी उस वजह से मैं इसके अंदर पहुँच चुका था। अभी देखना गाइस मैं कैसे तगड़ी तरीके अपनी टार्जन उड़ाता हूँ और फटाफट से जो है इस वाले तार के बाहर निकल जाता हूँ। तो चलो फटाफट से भी इधर से फुल स्पीड से लेके जाऊंगा और निकालते हैं उसे तारों के अंदर से भाई साहब। 3-2-1 एंड लेट्स गो गाइस। ये निकल चुकी है भाई साहब, अटक गई थी लेकिन निकल गई। सो गाइस आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बी सेफ।